Is that her? That's her. Yes. माल कब तक पहुंचाने गए? ठीक है, पहुंच जाएगा। साला किस्मत भी रो रही। क्यों? अरे शाम को 6 बजे आ रहा है वो। मतलब भाई अपने को 4 बजे तक काम खत्म करने का है। वो नाइजीरियन को टपकाने का है क्या? बंदूक शिकार का रंग नहीं देखती, वो सिर्फ कीमत देखती है। माल दो, जान लो। आओ। अपनी गर्लफ्रेंड को लाने के लिए ये जगह सच में बहुत ही बढ़िया है। और मस्ती करने के लिए भी बहुत कड़क जगह ही है। तुम बोलो तो मैं उसे कॉल करके इधर ही बुला लूं। उसको ऑफिस भी अभी खत्म हो गया होगा। ट्राई। राइट, सही एडवाइस दिए उसे गर्लफ्रेंड को डेट पे लाने के लिए। बढ़िया जगह है ये, पर तेरी गर्लफ्रेंड का आता पता ही नहीं है। तेरी प्रॉब्लम क्या है भाई? भाई जो मजा खुले आसमान के नीचे प्लास्टिक ग्लास में पीने का है ना, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, वो मजा इस बार में कहा। देख भाई, मजे करने के लिए गर्लफ्रेंड भी तो होनी चाहिए कि नहीं? एक्सक्यूज मी सर, एनीथिंग एल्स? देसी ठर्रा मिलेगा क्या? सॉरी सर। अरे पौआ, देसी करना यार। कुछ नहीं यार, थैंक यू। ओके सर। अबे यार, तुझे पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है? अकेलापन, यू आर लोनली। थैंक यू डॉक्टर। और प्रॉब्लम की दवा हमारे पास है। और मेरी दवा तो मेरे हाथ में है। मजाक नहीं, अपने ऑफिस में जो कोयना है ना, उसके दिल में तेरे नाम की गिटार बजती है, मुझे अच्छे से पता है। इसलिए तुम दोनों के दिलों के तार जोड़ने के लिए उसको यहाँ बुलाया है। सही है ना? ये पता होता तो यहाँ आता ही नहीं। अबे ओए, तू अपनी पढ़ाई छोड़कर 6 साल पहले कोलकाता में आकर बस चुका है, और तब से तूने पलट कर बैंगलोर को देखा भी नहीं है। बढ़िया बिजनेस है यहाँ पर, पैसों की कमी नहीं है। और ये किसके लिए है यार? है? कब तक ऐसे बुझी हुई ट्यूबलाइट की तरह करंट मिलने का इंतजार करेगा? उस प्यार को भूल जा यार, किसी से प्यार कर, जिंदगी जी और बढ़ जा सीधे आगे। हाय। हाय कोयना, देखा कैसे चमचम मिठाई की तरह चमक रही है? तू भी ऐसे चमक जैसे कपड़े धुलने के बाद चमकते हैं। व्हाट? नथिंग। लगता है तुम अपनी दुनिया में गुमशुदा हो। मुझे गुमशुदा हुए 6 साल हो गए। मुझे नहीं पता तुम्हें क्या हुआ है, पर महसूस कर सकती हूँ कि तुम नेक दिल हो और हैंडसम और स्मार्ट भी हो, और आई लाइक यू। अगर मैं सच सच कहूँ कोयना, आई डोंट लाइक यू। सॉरी, डोंट टेक मी रॉन्ग। वेटर, बिल प्लीज। अभी कॉलेज वाला मोबाइल नंबर ही यूज करते होगे। आदि, आदि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ऐसे मैसेज पर नहीं बता सकती, तुम्हारे अलावा मुझे किसी पे भरोसा नहीं। प्लीज बैंगलोर आ जाओ ना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। याद है ना तुमने मुझसे क्या कहा था?
जस्ट अ रॉन्ग नंबर अवे। आदि तू बैंगलोर जा रहा है? आदि मैं तुझसे बात कर रही हूँ। माँ, रश्मि दीदी की बेटी की शादी है, नहीं जाऊंगा तो उसे बुरा लग जाएगा। अब रिश्तेदारी में इतना तो करना ही पड़ता है माँ। तुम ही कहती हो ना कि मैं रिश्तेदारों से बात नहीं करता। जरा रश्मि की बेटी का नाम बता मुझे। शादी में नहीं जा रहा है तू, उस लड़की के लिए जा रहा है ना? आज भी उसकी यादें तुझे जीने नहीं देती, 6 साल बाद भी तू उसे भूल नहीं पाया ना? बेटा अपनी माँ की बात सुन, उस लड़की से दूर रह, बाकी तेरी मर्जी है। अपना ख्याल रखना। डॉक्टर बोला बच्चे को उबाल कर पानी पिलाना। मेरी भाभी बोली बच्चे को उबालूंगी तो बच्चा मर नहीं जाएगा। उसे सीने से लगाओगी क्या? ओवर एक्टिंग मत कर। ओहो, उसकी भोली सूरत देखकर तू शर्मा रही है? मैं ढांढनान। ये रहा आदित्य का नंबर। देना नंबर, कहाँ से मिला तुझे? अरे मैं उसे अपने फोन से कॉल करूंगी। तेरे फोन से कॉल किया तो तुझे उसका नंबर मिल जाएगा। अच्छा सुन, रिंग हो रहा है। एक सेकंड। हेलो आदित्य। कौन? मैं हूँ पार्वती। सॉरी रॉन्ग नंबर। आदित्य मैं हूँ तेरी पार्वती, और अपने साथ तो गंगा भी है। अरे एक तीखा वाला दो ना भाई। मुझे दे। क्या बिड़ू, अपन देख रहे लिए तू आजकल सीना चौड़ा करके चमकीले कपड़े पहन के कॉलेज आ रहा है? अपने आप को हीरो समझता है क्या तू? अरे हिम्मत है तो मेरे सामने आना। आ आ, अरे आना। सॉरी रॉन्ग नंबर। चल चल जल्दी चल। डैडी, प्रिंसिपल जो भी बोले ना यकीन मत करना, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। कौन, वो या तुम? हाँ ओफो, ये कहाँ से सामने आ गया? अच्छा बेटा, एक बात कहनी थी। मैं एक यंग डैशिंग इन्वेस्टमेंट बैंकर से मिला, मुझे वो लड़का बहुत पसंद आया। उसका नाम राजीव है। मैं चाहता था। आदाब। हेलो सर। डैडी, मेरी फ्रेंड उर्मिला याद है आपको? ये उसका बेस्ट फ्रेंड है। अरे नहीं, क्या न्यूज वालों की तरह झूठ बोलती हो। उर्मिला और शर्मिला की दोस्ती तो पुरानी हो गई, लेकिन अब मुझे तुम पसंद। इसकी दोस्ती की 3 वजह हैं। पहली वजह है तुम्हारा कैरेक्टर। क्या मतलब? ब्यूटी विद ब्रेन्स। वैसे तो कॉलेज में सभी लड़कियां मेकअप और नए नए कपड़ों पर ध्यान देती हैं, पर अकल उनमें ढेले भर की नहीं होती है, लेकिन तुम इंटेलिजेंट हो और सुंदर भी। I like it. तो जब मैं दोस्तों के साथ कॉलेज कैंटीन में फैशन शो डिस्कस कर रही थी, तुम वही थे क्या? था ना। दूसरी वजह तुम्हारी सीरत। उर्मिला के पास अपने एग्जाम की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसके पिछले साल की फीस तुमने ही भर दी, और इस साल उसकी कॉलेज फीस भी। और मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी पॉकेट मनी सेव करके ये फीस वगैरह भरी है। सही कहा ना? आई लाइक इट। देखो, और तीसरी वजह फिजिकल। What? मतलब तुम्हारी मुस्कान। जब भी तुम मुस्कुराती हो तो फूलों की बरसात हो जाती है, और इस बरसात में मैं भी भीग जाता हूँ। एंड आई लाइक इट। और मुझे तुम पसंद नहीं। अच्छा, तो आप इसके डैडी हैं? नमस्ते अंकल जी, इस हैंडसम चेहरे को याद कर लीजिए, मैं ही दामाद बनने वाला हूँ। अच्छा अब चलता हूँ, बाय। और हाँ, वैसे तो मैं किसी को इंट्रोडक्शन देता नहीं हूँ, पर तुम्हारे लिए आई एम आदित्य शंकर। आई एम जस्ट अ रॉन्ग नंबर अवे। देखो मुझे तुम्हारी साइलेंस प्लीज। मुझे तुम्हारी 3 बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई। पहली बात, मेरे डैड के सामने मुझे पटाने की कोशिश की तुमने, बहुत ही बुरा आइडिया था। दूसरी बात, मेरे सामने बिना परमिशन के मेरे डैड के साथ हैंडशेक कर रहे थे, क्या फालतू की हरकत की थी तुमने। और तीसरी बात, तुम हर जगह मेरा पीछा क्यों करते हो, ये बिहेवियर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन एक बात मुझे तुम्हारी बहुत पसंद आई, मेरे डैड के सामने तुमने जो भी कहा सब साफ दिल से कहा। आई लाइक इट। मेरा नंबर। अगर तुम सन की चिपकू आशिक की तरह पेश आए ना, मार डालूंगी तुम्हें। वैसे तो मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं देती, पर तुम्हारे लिए आई एम संगीता।
क्या बात है, नंबर मिल गया, अब होंगी प्यार भरी बातें। और हाँ, मैं तुम्हारे डैड से डरता नहीं हूँ, समझे तुम? ब्यूटिफुल। ये मेरी फेवरेट जगह है। जब भी डैड काम में बिजी होते थे, मेरी मॉम मुझे यहाँ लेके आती थी। जब मेरी मॉम गुजरी तब मैं 7 साल की थी, और उसके बाद मेरे डैड ही मेरी मॉम और मेरी दुनिया है। ब्यूटीफुल कार्ड डाला रे आदि। मैं इसी नाम से तुम्हें बुलाऊंगी। पूरी दुनिया के लिए तुम आदित्य शंकर हो गए, पर मेरे लिए तुम आदि हो गए। आई लव यू। अगर मैं वापस लव यू ना कहूँ, क्या फिर भी मुझसे प्यार करोगे? मैंने सिर्फ अपने दिल का इजहार किया है। तुम भी मुझसे प्यार करो, ये जरूरी नहीं है, और मेरी मोहब्बत में कोई शर्त नहीं है। मेरे मॉम डैड ने प्यार करके भाग के शादी की, पर शादी के बाद रिश्तेदारों से रिश्ता टूट गया। बचपन से ही मैं रिश्तेदारों के प्यार के बिना रही हूँ। त्योहारों पर भी कोई नहीं होता था, सिर्फ मॉम, मैं और डैड, बस यही मेरी पूरी दुनिया थी। मॉम भी बचपन में गुजर गई, और अब मेरे डैड ही मेरे सब कुछ हैं। शायद इसीलिए मुझे समझ ही नहीं आता है कि प्यार क्या होता है। प्यार को समझा नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है संगीता। जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, मेरे दिल की धड़कन रुक जाती है। ये वादा है मेरा, कैसे भी हालात हों, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और याद रखना, I'm just a wrong number away, चाहे तुम मेरी हो या ना हो। How can I help you, sir? मेरी बुकिंग है आदित्य शंकर के नाम से। आदित्य? रश्मि दीदी बोलिए। पहुंच गया भाई? हाँ, बस थोड़ी देर पहले चेक इन भी कर लिया। आता हूँ। ए छोटू, पाना दे। हाँ, ये लो। अरे यार, कहाँ कहाँ गाड़ी चलाते हैं ये लोग, सारा अंजर पंजर ढीला पड़ा है। एक्सक्यूज मी। माने बे, अपुन ने चंदा देना बंद कर दिया है, चल निकल। बॉस, कस्टमर है। कस्टमर? सर, इस एंगल से देखूं तो लगता है कि अपुन ने आपको पहले भी कहीं देखा है। क्योंकि मैं पहले भी यहां आया करता था। लवर बॉय सर? अरे वही ना, जो बाइक पे गर्लफ्रेंड को लेकर यहां आते थे। सर, कहां गायब हो गया? अब मैं कोलकाता में रहता हूं, कुछ दिन यहीं पर हूं, तो घूमने के लिए एक कार चाहिए थी। सर, पासपोर्ट, राशन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, इनमें से कोई कार्ड होगा तो कार मिलेगी। आधार कार्ड चलेगा? एक नंबर सर। अच्छा, कार का किराया क्या होगा? आपके लिए ज्यादा नहीं सर, दिन रात मिला के 4,500, साथ में डीजल, टायर, शीशा, डिग्गी, बोनट सब मिलाकर होगा करीब 10,000 ओनली। भाई, मैं यहाँ कार खरीदने नहीं आया हूँ, किराए पे लेने आया हूँ, समझे? आई वॉज जोकिंग विथ यू। हाय संगीता। हाय आदि। तुम ठीक हो ना? आर यू फाइन संगीता? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? सूट में बहुत डैशिंग लग रहे हो, काफी बदल गए हो। वक्त और शहर बदल गया तो मैं तो बदल ही जाऊंगा ना। अच्छा बताओ, तुम्हारी शादी, बच्चे, फैमिली? सिर्फ फैमिली के नाम पर माँ है, मैं हूँ और मेरे दोस्त हैं। तुम्हारे कोई बच्चे हैं? एक बेटी है, आराध्या। अच्छा है, तुम्हारी फैमिली तो कंप्लीट है। ऐसे संगीता,
ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात थी जो तुम मुझे फोन पर नहीं बता सकती थी और यहां बुला लिया? सब ठीक तो है ना? आई नीड योर हेल्प आदि, कोई प्रॉब्लम है क्या? आराध्या के स्कूल का पहला दिन था, वो स्कूल ना जाने की जिद कर रही थी, लेकिन मैंने किसी तरह से प्यार से उसे मना लिया। ठिचकी। बेटा स्कूल में जाके बिल्कुल मत रोना, किसी से भी लड़ना मत, स्कूल में बहुत सारे दोस्त मिलेंगे आपको। डर लग रहा है क्या बेबी? डरो मत, सब तुम्हें खूब प्यार करेंगे। ओके अपने टेडी को हग करना है, जाओ पीछे जाकर कर लो। हाँ पहुंच गए। छोड़ो छोड़ो मुझे। आराध्या, किसी ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया आदि, तुम प्लीज उसे ढूंढ कर लाओ ना, सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। प्लीज आदि, मेरी बेटी को ढूंढ लाओ। हर दिन मुझे सिर्फ यही ख्याल आता है कि उसे कुछ हो ना गया हो आदि, किसी का कोई रैंसम कॉल नहीं आया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं आदि, कहां ढूंढूं? अपनी बेटी को मैं अकेले नहीं ढूंढ पा रही। मुझे याद है कि तुमने मुझसे क्या वादा किया था। चाहे कैसे भी हालात हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। याद रखना, I'm just a wrong number away। इतने साल बीतने के बाद शायद तुम मुझसे नफरत करते होगे क्योंकि मैंने सिर्फ तुम्हें मुसीबत के वक्त में याद किया, पर मेरी आखिरी उम्मीद सिर्फ तुमसे है, क्योंकि दो महीने से मैं पागल हो चुकी हूँ। आपने मेरी बेटी को देखा क्या? हर गली हर नुक्कड़ पर उसे मैं ढूंढ चुकी हूँ, पर कहीं से कोई खबर नहीं मिल रही। बेटी को देखा क्या? एसीपी मैडम खुद पर्सनली आपका केस हैंडल कर रही हैं, अब तक कोई सुराग नहीं मिला, थोड़ा वक्त दीजिए। पुलिस से भी मैंने हेल्प मांगी। सर मेरी बेटी का कुछ पता चला क्या आपको? अभी एसीपी ने आपको बताया ना, चलो। मेरा पति राजीव भी कुछ नहीं कर रहा है। आराध्या कहाँ है राजीव? कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा है आदि। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ? वो कहते उन्हें कुछ नहीं मिला, अब तो सर्च करना भी बंद कर दिया। टॉप ऑफिसर्स ने इन्वेस्टिगेशन किया, कुछ नहीं मिला, केस क्लोज। यहाँ साइन कीजिए। एक मिनट, बच्ची मिली नहीं है तो वो केस कैसे क्लोज कर सकते हैं? वो मर्डर केस की रिपोर्ट दे। ओके सर। और मैडम क्या हाल चाल है? मेरी बेटी का कुछ पता चला क्या? हो गया, तू जा। हाँ सर। आपको बताया ना मैडम, कुछ नहीं मिला। क्या सर, इतने दिन हो गए हैं आपको कुछ भी पता नहीं चला? देखिए ये केस क्लोज हो गया है, अब एक क्लोज केस पे कैसे काम करूं मैं? पर आप केस कैसे क्लोज कर सकते हैं? तुम कौन हो? इनका फ्रेंड हूं। फ्रेंड मतलब कैसा फ्रेंड? फैमिली फ्रेंड है सर। क्या मैडम, फ्रेंड्स फैमिली फ्रेंड रिश्तेदार पड़ोसी सबको पुलिस स्टेशन लेकर आ जाती हुई आप? यहाँ मेरी शादी की दावत चल रही है क्या? बहुत परेशान कर दिया आपने। सर लेकिन आप अपना काम तो करो। देख फ्रेंड। हेलो। हाँ बेटा। हाँ अरे बोला था ना ले आऊंगा तेरा गेम। ओ हीरो, बिना परमिशन के फाइल को हाथ कैसे लगाया तूने? ओए तिवारी, इस फाइल को ले जाकर लॉकर में रख और सील कर दे। ओके सर। मुझे मेरा काम मत सिखा वरना कहाँ गायब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। अब आप लोग जाओ यहाँ से। सर मैडम आपको बुला रही हैं। पूरी दुनिया ने मेरी बेटी का केस क्लोज कर दिया है पर मैंने नहीं किया। आराध्या की कोई फोटो है संगीता? पासपोर्ट साइज की फोटो है। अच्छा संगीता, तुम्हारी फैमिली और सारे फ्रेंड्स या राजीव के कोई दुश्मन ऐसा कुछ है क्या, मुझे बताओ? ऐसा तो कोई भी नहीं है आदि। किडनैप होने के बाद कोई रैंसम कॉल आया? यही तो अजीब बात है, ऐसा कोई भी फोन नहीं आया है। ओके, जिन्होंने हमला किया उनकी शक्ल याद है? मुझे होश नहीं था, मैंने तुम्हें बताया ना मेरे पास कोई सबूत नहीं है। और राजीव क्या कहता है इस बारे में? उसके लिए तो जैसे आराध्या है ही नहीं, सिर्फ काम में ही बिजी रहता है।
अगर तुम कहो तो मैं एक बार उससे बात करूं। आदित्य, तुम्हारे मतलब हमारे बारे में मैंने उसे कभी कुछ नहीं बताया। जो लड़की तुझे 6 साल पहले छोड़ चुकी है उसके लिए तू रिस्क ले रहा है? देख अभी भी बोलता हूँ तू सही नहीं कर रहा है। यार ये संगीता की बात नहीं है, उसकी बेटी की बात है। अबे तू भगवान है क्या? फालतू में कैसे कैसे केसेस में फंसता चला जा रहा है। तू मेरी सिचुएशन नहीं समझ रहा है यार, और तू समझ भी नहीं सकता क्योंकि देख हमको सिचुएशन नहीं समझनी है, सिर्फ और सिर्फ तेरी फिक्र करनी है। पर बात तू नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के वापस आ जा यार। यू आर नॉट एन एम्प्लॉय हियर। तेरी कंपनी में 300 लोग काम करते हैं और तू उनका बॉस है। बेंगलुरु में फंसा रह जाएगा, तू यहाँ नहीं आ पाएगा। देख तुझे अपनी कंपनी चलाने के लिए वापस यहाँ पर आना ही पड़ेगा। और जानता है तेरे जाने के बाद तेरी माँ तेरे लिए कितनी परेशान है, दिन भर बस तेरे ही बारे में सोचती रहती है वो। तू वापस आ जा, दैट्स इट। यार मेरी बात सुन तू। ये रहे तुम्हारे पैसे और ये रही चाबी। अरे बहुत जल्दी वापस कर दिया आप, इसके बाद कहाँ जाएंगे? छोड़ दूँ? एयरपोर्ट जाऊंगा। एयरपोर्ट? अरे चलो सर मैं छोड़ देता हूँ। अरे तुम क्या करोगे वहाँ चल के? अरे सर एयरपोर्ट की तरफ गए हुए बहुत दिन हो गए, इसी बहाने घूम लूंगा। मेरी बीवी का मायका उधर ही है, पिछली बार छोड़ के आया था 6 महीने पहले, उसके बाद गया ही नहीं, तब से रोज फोन करती है आ जाओ। सोच रहा हूँ घर वापस ले आऊं। साहब मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ लेकिन चिक चिक बहुत करती है। चलता है सर। सर आपसे एक सवाल पूछ सकता है क्या? आप एक लड़की के साथ आते थे ना, संगीता, वही थी ना? आप दोनों की शादी हुई क्या? नहीं हुई। अरे नरक में जाने दो सर, आपकी जान छुटी। जरा तमीज से बात करो। सॉरी सर, पैसा शराब और औरत ये सब आदमी को बर्बाद कर देते हैं, तीनों लोचा है सर। अगर किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाए ना तो दिल की सुननी चाहिए। दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और कहता है। नो सर, दिल कभी गलत नहीं होता पर दिमाग ना सब उलझा देता है। अबे तू भगवान है क्या? फालतू में कैसे कैसे केसेस में फंसता चला जा रहा है। आई नीड योर हेल्प आदि। इतने साल बीतने के बाद शायद तुम मुझसे नफरत करते होगे क्योंकि मैंने सिर्फ तुम्हें मुसीबत के वक्त में याद किया। गाड़ी घुमा लो। लेकिन कहां सर? होटल चलो। यार सुन, फ्लाइट टिकट कैंसिल कर दे, मैं अभी कोलकाता नहीं आ रहा। मैम 11 जून को आपके स्कूल की एक बच्ची किडनैप हुई थी। किडनैप हुई थी? जी मैम, स्कूल के गेट के बाहर ही उस बच्ची को किडनैप कर लिया गया था। ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या बात कर रही हैं मैम, पुलिस कंप्लेंट भी हुई है और इन्वेस्टिगेशन भी हुआ है, पर आप कह रही हैं कि नहीं। मिस्टर आदित्य, हमारे स्कूल के बाहर कोई किडनैपिंग नहीं हुई है, कोई और स्कूल होगा, शायद आपको गलतफहमी हुई है। नहीं मैम। आप उस बच्ची के क्या लगते हैं? वो मुझे अपने बच्चे की एडमिशन करवानी थी, तो बस ऐसे ही चेक कर रहा था कि ऐसा कुछ हुआ या नहीं। रूमर्स हैं, यहाँ हर बच्चे की सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। स्कूल के अंदर हम हर एरिया पर नजर रखते हैं, आप अपने बच्चे को बिना किसी डर के यहाँ भेज सकते हैं। नहीं मैम, किडनैपिंग तो हुई है, एक बच्ची लापता है। देखिए ये है बच्ची की फोटो, आराध्या नाम है इसका। बहुत प्यारी बच्ची है, पर ये हमारी स्कूल की बच्ची नहीं है, बेचारी आराध्या। गुड मॉर्निंग सर। 2 महीने पहले यहाँ सामने एक बच्ची किडनैप हुई थी, आपको पता है उसके बारे में? तुम्हें क्यों बताऊं? वैसे तुम हो कौन? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। ए सिक्योरिटी, ये पुलिस वाला है क्या? इसे हटाओ यहाँ से। चलो चलो हटाओ यहाँ से। सर आप यहाँ आ गए। तुम हाथ मत लगाओ। सर मेरी बात सुनिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अरे सर रुकिए, बात तो सुनिए। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ? तू जानता भी है तू किससे बात कर रहा है? ए सिक्योरिटी, दफा करो इसको। जाओ साहब, बात सुनो मेरा। धक्का मत मार मुझे, समझा? साहब ड्यूटी करने दो ना मुझे, क्यों परेशान कर रहे हो? मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहा है ये बता। अब मुझे क्या पता होगा साहब, सवाल आप कर रहे हो, जवाब वो जाने। चले आते हैं। कहाँ हो संगीता? बालकनी में खड़ी हूँ, थोड़ी घुटन सी महसूस हो रही थी। इतनी बार कहा कि बालकनी में मत खड़ी रहा करो, पर मेरी बात सुनती नहीं हो? ऐसा नहीं है। चलो अंदर जाओ। राजीव प्लीज,
बालकनी का दरवाजा बंद करो। राजीव प्लीज मुझे यहाँ खड़ा होने दो। कह रहा हूँ वो करो। आदि वो ना तुम तुम यहाँ कैसे आ गए? वो मैं आराध्या के स्कूल गया था, उसकी प्रिंसिपल कह रही थी कि वो आराध्या को जानती ही नहीं है, और उसने ये भी कहा कि आराध्या वहाँ की स्टूडेंट ही नहीं थी। किडनैपिंग के बारे में तो वो साफ मना कर गई। अगर प्रिंसिपल मैडम किडनैपिंग मान लेंगी तो स्कूल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। आदि तुम्हारे पास आराध्या की कोई फोटोग्राफ है क्या? फोन में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे? सारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स राजीव ने डिलीट करवा दिए हैं, और मेरा तो किसी भी दोस्त या रिलेटिव से कोई वास्ता नहीं है। सोशल नेटवर्क जीरो है। पूरे घर में एक भी फोटो नहीं है? सनी आ रहा है, जाओ प्लीज, चले जाओ यहाँ से। आदि, और ये सनी कौन है? बस तुम यहाँ से जाओ, वो राजीव का भाई है, वो बहुत ही घटिया इंसान है। आदि प्लीज जाओ, प्लीज जाओ। अरे संगीता सुनो। जाओ आदि। स्मेल आ रही है मुझे, किसी इंसान की स्मेल आ रही है मुझे इस घर में। मेरे भैया बॉन्ड हैं, जेम्स बॉन्ड, उन्होंने कहा यहां आके एक नजर मार लूं, इसलिए आया था। कल तो मतलब बहुत बढ़िया पार्टी हुई है। पार्टी मतलब वो नहीं, कमल और हाथ वाली पार्टी नहीं, रेव पार्टी। ऐसा ताजा माल आया था ना, अरे भेजा घूम गया। तुम मरोगी क्या? मैं राजीव को फोन करूं? भैया को तो माल वाल पसंद नहीं है। दोबारा ऐसी हरकत मत करना। राजीव को मत बताना, वरना वो मुझे निकाल देगा यहाँ से, निकाल देगा, get निकाल out. देगा। Get out. राजीव काम से दुबई गया है, तो मुझ पर नजर रखने के लिए वो ऐसे ही सनी को घर पर भेजता रहता है। पर इस सनी पे कौन नजर रखे? मुझे सेफ रखने की जगह वो मुझे ही परेशान करता रहता है। तुम मुझे सनी का नंबर और एड्रेस दे सकती हो? वो क्यों आदि? डोंट वरी, बस मैं यही बंदोबस्त करूंगा कि वो तुम्हें परेशान ना करे। पर आदि वो तुम बस मुझे उसका नंबर और एड्रेस दे दो। सर नमस्ते। हाँ? आप शायद पृथ्वी जी हैं ना? हाँ, सूत आयू। आप संगीता और राजीव को जानते हैं क्या? हाँ, सिक्स फ्लोर वाले। की बच्ची कितनी क्यूट है ना सर। केटली बच्ची? क्या सर, आपके बच्चे उसके साथ खेलते होंगे ना? मोटा भाई, मेरी शादी नहीं हुई ना, बीवी की तलाश में हूँ। उनका फ्लैट तो जानता हूँ, पर किसी से बातचीत नहीं होती मेरी। पंत हमारे नाम सु हेलो। हाँ बोलो। सनी, तुम्हारी भतीजी 2 महीने पहले किडनैप हो गई थी ना? कौन बोल रहा है? तू पुलिस वाला है क्या? हेलो। नहीं, मैं एक न्यूज़पेपर में क्राइम रिपोर्टर हूँ।
हेलो 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 आदित्य। हाँ दीदी बोलिए। शाम को मेहंदी और डांस का प्रोग्राम है, याद है ना? हाँ दीदी मैं आ जाऊंगा। इनकी जोड़ी तो बहुत अच्छी हो रही है। थैंक यू। ना लगे तुझे बेटा। आदि होटल में खाना तो अच्छा है ना? मैंने तो कहा था मेरे ही पास रुक जा। होटल तो बढ़िया ही है दीदी। अच्छा दीदी मुझे आपसे ना एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। दीदी एक्चुअली 2 महीने पहले कनकपुरा रोड पर एक बच्ची किडनैप हुई थी, आपको उसके बारे में कुछ पता है? इस शहर में तो किडनैपिंग हर रोज होती रहती है, प्याज के दाम की तरह क्राइम रेट बढ़ रहा है। सुनिए आपको इस बारे में कुछ पता है क्या? मुझे तो सिर्फ एक ही किडनैपिंग के बारे में पता है, तुम्हारी बहन ने मुझे किडनैप किया था। कुछ भी बोलते आदि, तुमने तो यही पढ़ाई की है ना, फिर अचानक कलकत्ता क्यों चले गए अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद? क्यों यार 6 साल भी हो गए। आप बिना कहीं पर भी कुछ भी पूछ लेते हैं, चुप रहिए ना, जरा मौका तो देखिए। मैंने तो नॉर्मल सवाल पूछा था, उसमें ऐसा क्या हुआ? कुछ हुआ था क्या? मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? आदि, इंजीनियरिंग के बाद तुम अपने पेरेंट्स के पास कोलकाता चले जाओगे क्या? नहीं, तुम्हारे डैड के पास जाऊंगा, उनसे कहूंगा कि अंकल आई लव यू, आई लव योर डॉटर टू, और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, नहीं हुई तो मर जाऊंगा। ओहो इतना आसान लगता है क्या? आई लव यू। हे तुमने मुझे अब तक आई लव यू नहीं कहा। डैड का फोन क्यों आ रहा है? संगीता। हाँ? आदि घर चलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? संगीता तुम अंदर जाओ। एक मिनट रुकना संगीता, मैं संगीता से प्यार करता हूँ बेइंतहा। लेकिन मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। देखिए सर मैं, देखो बेटा ये प्यार वाले फिल्मी डायलॉग मत बोलो क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं। मेरे सामने ही मेरी बेटी की फिजिक, कैरेक्टर और स्माइल के बारे में बात करने की बदतमीजी करना मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम में तमीज नाम की चीज ही नहीं है। तमीज इंसान के दिल से आती है अंकल, बातों से नहीं। मैं उसके बिना और वो मेरे बिना जी नहीं पाएंगे। हमारे रिश्ते को मंजूरी दे दीजिए सर, हमें बस आपका आशीर्वाद चाहिए। संगीता की शादी मैंने पहले ही तय कर दी है। लड़का बहुत अच्छा है, वो पढ़ा लिखा है और संस्कारी भी है, उसकी खुद की कंपनी है, अनाथ है पर बड़ों की इज्जत करना जानता है। उससे रिश्ता पक्का करने से पहले मैं संगीता से पूछना चाहता था पर अब लगता है उसकी जरूरत नहीं। संगीता तुम मुझसे शादी करोगी? अपनी हद में रहो। सोच लेना संगीता। ये मेरी मॉम की साड़ी है। हाँ तो? तो ये कि मेरे पेरेंट्स की तरह हम भाग के शादी कर लेते हैं। तुम पागल हो। क्या हो गया पंडित जी? ये शुभ मुहूर्त नहीं है बेटा, कल तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। ओ, भगवान के सामने क्या शुभ और क्या अशुभ, हर मुहूर्त अच्छा होता है पंडित जी। भगवान का नाम लीजिए और पूजा शुरू कीजिए। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा, भगवान सब सही करेंगे। ठीक है पंडित जी। I'm so happy for you. आदि ये लो मंगलसूत्र। क्या हुआ है उन्हें? ओह गॉड। ए संगीता, हाँ?
शंकर भट्ट कहाँ एडमिट है? फोन मत कट करना, मुझे सुनने दो कि वहाँ क्या हो रहा है। ओके। पापा। स्टेज फोर। मैं हमेशा कहता था ना कोई प्रॉब्लम है मुझ में। आज वो प्रॉब्लम मिल गई, अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगा। कैंसर ने मुझे पूरा जकड़ लिया है बेटा। शादी कर रही हो तुम? हेलो। तुम कहाँ हो आदि? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ ना। जी आ रहा हूँ। दीदी, सॉरी बॉस, लगा तो नहीं तुम्हारा वॉलेट। यूपी पुलिस अजीत कुमार। भाई तुम्हारा वॉलेट। गुड मॉर्निंग सर। अब आएगी चैन की नींद। ओए कुंभकरण, सो रहा है या काम कर रहा है? अरे फिर से आ गए आप, जब मालिक रहते हैं तब आया कीजिए ना, सोने भी नहीं देते आराम से। डालो मुझे जेल में, जानता है कि मैं कौन हूँ। अरे बाप रे, पुलिस वाले आप? साहब नमस्कार। 2 महीने पहले स्कूल के सामने किडनैपिंग हुई थी। तू तो यहीं पे रहता है ना, तुझे पता होना चाहिए क्या हुआ था, और तेरे मालिक को भी बता वरना। सर हम सच कह रहा हूँ सर, हमें कुछ नहीं पता है सर। पर सीसीटीवी को पता होगा। साढ़े 8 बजे साढ़े 8 की फुटेज कहाँ गई? क्या सर? अबे गधों के सरदार, 8:30 से लेकर 9:45 की वीडियो फुटेज कहाँ पर है? जादू से गायब हो गए क्या? इसी टाइम पे तो किडनैपिंग हुई थी सर। ये फुटेज वुटेज की बात आप हमारे मालिक से पूछिए सर, हमको नहीं पता, हम इतने पढ़े लिखे नहीं है, हम कुछ नहीं जानते सर। मुझे ये फुटेज कहाँ से मिलेगी सर? इस बारे में तो हमारे मालिक। अबे तेरे मालिक कुमार गोली, तू बता। सर इसका बैकअप उनके ऑफिस में होगा, पर वहाँ से वीडियो मिलना मुश्किल है सर। मुश्किल की कीमत क्या होगी ये बता तो मुझे। सर आप सच में पुलिस वाले हो? नहीं लगता हूँ क्या? वो पुलिस वाले हमेशा लेते हैं, कभी देते नहीं, इसीलिए। ले मेरा नंबर रख ले। सनी, संगीता, इन्वेस्टिगेशन जब हुई थी तो पुलिस ने सनी का बयान लिया था क्या? हाँ लिया था आदि। क्यों? मुझे बस सनी का बयान देखना है, सब बाद में समझाऊंगा। बात क्या है आदि? इस वक्त तो मेरे दिमाग में सिर्फ सवाल दौड़ रहे हैं, पर लगता है कि उनके जवाब भी जल्दी मिल जाएंगे। बाद में फोन करता हूँ संगीता। मेरी बीवी खुद ही अपने हाथ से काट के लाना पड़ा, इसको मारने का सबूत भी मैंने मिटा दिया। बाथरूम किधर है भाई? अबे रुक रुक, क्या कर रहा है मोटी बुद्धि? चिकन है, तुम्हारी भाभी बोली कि ताजा चिकन लेके आ जाओ, मैं चला गया चिकन शॉप में, वहाँ कसाई को कसाईगिरी आती नहीं थी तो मुझे ही चिकन को काटना पड़ गया। अभी ये खून खच्चर मुझे साफ करना है, मेरी वर्दी पे भी खून लग गया, बाथरूम का बताना यार। उस तरफ है। थैंक यू, आज होगी चिकन पार्टी, आज खच 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 करके खा जाऊंगा। पूरे कपड़े सीरियल किलर जैसे हो गए, सुबह खून खुनाम हो गई। हेलो सर। हेलो बफलो। बैंगलोर का भाई सर? कल ही आया मेरे भाई, बैंगलोर में ठंड बहुत है तो मस्त रजाई में।
वैसे ये पांडु कौन है? सर सर ये मेरा असिस्टेंट प्रताप पटेल है सर। ओहो पटेल जी केम छो तमे? तमे मारा विषय कसु जानो छो? हूँ थोड़ो जानू छू। हाँ हूँ पण आटलू जानू छू। अच्छा पटेल भाई ये शहर और पुलिस स्टेशन में लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं? पागल सनकी आवारा एटसेट्रा 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 है ना? ऐसा कुछ नहीं है सर। अरे पटेल क्या शर्मादा बोलना यार। सर आपको हटेला बोलते हैं सर। हटेला बोलते हैं मेरे को? कौन मुझे हटेला बोलता है जरा बता दो मेरे को। चल उसका फोन नंबर दे। सर सर प्लीज ऐसा मत करिए सर। पटेल फोन नंबर दे। सर गलती हो गई सर प्लीज। किसी को नहीं बताऊंगा फोन नंबर दे। चल चल अभी दे 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 जल्दी कर जल्दी कर। हां मैडम ने बुलाया आपको? मैडम ने बोला बोला मैं यूं गया और यूं आया। इधर ही रहना हो फिर अपन साथ में कटिंग पेक पिएंगे। चल आ जा। सब लोग उसको हटेला बोलते हैं ये बात तूने उसको क्यों बताई इडियट? हेलो मैम। हेलो मिस्टर लोकी। यस मैम। इन्हें अनिकल केस की फाइल दे दो। ओके मैडम। तो सुना है आपको लोग शेर कहते हैं। ये बैंगलोर है बिल्कुल नई जगह। सो गुड लक। जगह चाहे कोई भी हो मैडम शेर हमेशा शेर होता है और मैं तो बब्बर शेर हूँ। गुड आफ्टरनून मैडम। ये गिरिधर को दे दो। ठीक है मैडम। थैंक यू मैडम। वो संगीता जी आई हैं आपसे बात करने के लिए। हाँ भेज दो। संगीता जी आइए। हाँ आओ संगीता बैठो। तो कैसी हो तुम? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। पिछली बार भी यही लफड़ा हुआ था। इस केस की वजह से परेशान हो गया हूँ। देखते हैं क्या होता है। मैडम ऐसा क्या हुआ कि संगीता जी रोते हुए गईं? बेचारी दिन ब दिन उसकी मानसिक हालत खराब हो रही है। उसकी बहुत फिक्र हो रही है मुझे।
चला गया। उसकी कार। I said stop that! No! Why are you following us? What is that? Where is Saradia? I don't know. I don't know what you're saying. Tell me or I'll shoot. Let's go, brother. Let's go from here. Go, go, go. Oh, क्या बात है सर? आइए। वो अफ्रीकन कौन थे? कौन से अफ्रीकन? जिनसे तूने कार एक्सचेंज की। पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं सर। पुलिस को बताऊंगा ना तो सब समझ में आ जाएगा। बात पल्ले पड़ी। पुलिस को जाइए बताइए सर। और हाँ, थाने पर 15% का कमीशन जाता है उनका। मैसूर से मैंगलोर तक और बैंगलोर से हुबली तक हर थाने में वर्ल्ड फेमस है अपुन। धमकी से डरने लगता बाबूजी। कार चोरी करके बेचता है मुझे मत डराना। पीछे सरप्राइज है तेरे। नो 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 नो। व्हाई आर यू फॉलोइंग अस? क्या कर रहा है? आखिर तेरा दिक्कत क्या है? Why is he following us? ये तेरे को फॉलो नहीं कर रहा है, ये मेरे को फॉलो कर रहा है। Why? क्यों बोले तो? अरे सर जी बताओ ना क्यों फॉलो कर रहे हो? What? What मतलब क्यों? He give me money, I not वापस करें। That's why we are chuddy buddy friends. Not you. You and I भाई भाई, इसलिए नो लड़ाई। गोली नहीं, नो शूट, नो शूट। Stop following us or you मैं बताएगा, go. I will kill you. Me friend, you friend, sub friend. Bye bye. ए तू कर क्या रहा है? आज तो तेरे को बचा लिया मैं। जानता हूँ लोग कितना डेंजर है, तेरे को यहीं का यहीं टपका देता। देख जहाँ से आया है वहीं चला जा, अगली बार मैं तेरे को बचाएगा नहीं, समझा? मैं इसके लिए यहाँ आया हूँ। ये संगीता की बेटी है, यही किडनैप हुई है। मैं नहीं जानता इसको। और देख ये तेरा मैटर है, इसमें मेरे को मत घसीट। तेरी बेटी होती तो मुझे पता तू अच्छा इंसान है। इस बेटी की मां के बारे में जरा सोच। हेलो बॉस। हाय। पहचाना मुझे? अजीत कुमार। तुमने कहा था ना होटल अच्छा है, तो तुम्हारी बहन ने मेरा भी रूम यहीं बुक कर दिया। ओके। तुमसे कुछ पूछना है। कल लंच के लिए हमें ज्वाइन करोगे? हाँ, करूंगा। सही है, अब तुम आए हो तो कुछ बातचीत भी हो जाए। तुम लड़की की तरफ से और मैं लड़के की तरफ से। वैसे मैंने पढ़ाई कर्नाटका, यूपी और बैंगलोर से की है, इसीलिए इस शहर से बहुत प्यार है मुझे। एक ड्रिंक हो जाए? नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करता। ठीक है, तो डिनर साथ कर लेंगे। सर मैं खा के आया हूँ। एक्सक्यूज मी सर। ओके, तुम अकेले रहने वाले इंसान हो ना, मैं समझ गया। कल मिलते हैं। ये लो, तुम्हारी बहन ने दिया है कल का ड्रेस कोड, ब्लैक शर्ट ब्लू जीन्स। ओके बाय बाय। हेलो हेलो मिस्टर अजीत कुमार, आपने जो फोटो और मटेरियल भेजा था मिल गया है, आज रात को प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। बोलो संगीता। ये तुमने छपवाई?
ये क्या किया तुमने? ये किसका नंबर है? नया नंबर है, आराध्या के लिए। राजीव को पता चलेगा तो मार डालेगा मुझे। कुछ नहीं होगा, एड में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। डरो मत, तो मेरी बात मानो, आराध्या मिल जाएगी, भरोसा रखो। तुम पुलिस स्टेशन गई थी क्या? नहीं, मैं नहीं जा पाई। तो तुम्हें जाना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। वहां जाओ और मुझे बताओ क्या हुआ। भैया जी, ब्रेकिंग न्यूज। सही कह रहे हो। गलत कहता ही नहीं मैं। दीदी मैं अभी आया। अरे आदित्य, अब आपका एड देगा पेपर में और मैंने कॉल किया। तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? शायद उस बच्चे को मैंने किसी पिक्चर में देखा है। खाने की टेबल पे भी फोन। क्या कर रहा है तू? जब से आया है फोन पर ही लगा हुआ है। सॉरी दीदी, बहुत इम्पोर्टेंट कॉल्स थी, मिस नहीं कर सकता। बैठ जा और फिर उसके बाद। एक्सक्यूज मी। अरे हेलो। हेलो, मैंने आपका पेपर में ऐड देखा। तुमसे तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की फोटो छापने की? सर, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ, ओके। आगे का सब कुछ मेरे पास प्लान है। थैंक यू। अरे हाँ, मैंने भी सुना है। अरे आदि। अरे हेलो, मिस्टर अजीत कुमार। मैं कॉल करता हूं दीदी। देखिए सर, मेरी बेटी की फोटोज। 6 महीने पहले हमारी फैमिली गोवा गई थी, जहां मेरी बेटी आराध्या डूब गई थी। आपने मेरी बेटी के फोटोज पब्लिश किए थे सर। वो फोटोज मुझे मेरी बेटी की ही लगे, इसीलिए मैंने आपको यहां पर फोन करके बुलाया सर। लेकिन किसी भी फोटो में तुम क्यों नहीं हो? क्योंकि ये फोटोज मैंने ही ली हैं सर। उसकी फोटो खींचना मुझे पसंद था। अच्छा, ये तेरी बेटी है ना? हाँ सर। तेरी तो कुछ भी कहेगा मैं मान लूंगा क्या? सच बताओ वरना। सर सच कह रहा हूँ, वो मेरी ही बेटी है सर। बता, ये फोटोज तुझे किसने दी है? सर, ये मेरी बेटी के ही फोटोज हैं, मैंने ही खींचे सर। सच बता। सर, सर मेरे पास डेथ सर्टिफिकेट है, मैं आपको दिखाता हूँ सर, छोड़ दीजिए मुझे। डेथ सर्टिफिकेट सर, स्कूल की रिपोर्ट कार्ड सर, FIR की कॉपी। वो मेरी ही बेटी है सर। हेलो, मैं राजीव बोल रहा हूँ, संगीता का हस्बैंड। आपसे बात करनी है मुझे, मेरे ऑफिस आ सकते हैं? अपना एड्रेस मैं मैसेज करता हूँ। सर, सर, सर मेरी बात सुनिए। सॉरी सर, माफ करना। ले पकड़, साफ कर ले। अच्छा हुआ कप में ज्यादा चाय नहीं थी। देख उधर, यही है क्या? अजीत कुमार, यूपी पुलिस, ब्लैक शर्ट, ब्लू जीन्स, इसी को टपकाने का है। इंस्पेक्टर अजीत कुमार, आप तो यूपी से हैं, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? बचपन में मैं यहीं पर रहता था, तो दोस्त से मिलने आ गया। अच्छा, और आप संगीता को कैसे जानते हैं? उस दिन रेस्टोरेंट में उसको आराध्या के लिए रोते हुए सुना कि वो लापता हो गई है, इसलिए मैं हेल्प करने आ गया। उस दिन हमारी बिल्डिंग में आप पड़ोसियों से भी पूछताछ कर रहे थे ना? हाँ, पड़ोसियों से बातचीत कर रहा था ताकि मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाए, मेरा काम है इंक्वायरी करना। और आज आपने अखबार में एड प्रिंट करवा दिया, पूरी दुनिया को बताने के लिए। मिस्टर अजीत, लगता है आपको सारी बातें पता नहीं है। क्या मतलब? हमारी कोई बच्ची नहीं। क्या? हाँ, ये सच है कि हमारी कोई बेटी नहीं है। करीब 2 महीने पहले 11 जून को कुछ कार चोरी करने वालों ने संगीता के ऊपर जानलेवा हमला किया। 7 दिन तक वो कोमा में रही। जब वो कोमा से बाहर आई तो संगीता अपनी बेटी के बारे में पूछने लगी कि मेरी बेटी कहाँ है। अपने दिमाग के अंदर ही उसने एक
नई कहानी बना ली थी। पहले पुलिस को भी मुझ पर यकीन नहीं हुआ तो मैं संगीता को साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर गया। डॉक्टर ने कहा कि वो सदमे में है। मेरी बीवी को दिमागी बीमारी हो गई थी, डिल्यूजनल डिसऑर्डर। संगीता, संगीता प्लीज दरवाजा खोलो। संगीता, संगीता हमारी कोई बेटी नहीं है। संगीता, मैं मान ही नहीं सकती कि हमारी कोई बेटी नहीं है। हमारी बेटी है, आराध्या नाम है। आराध्या है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि अभी तक जो संगीता ने कहा वो सब काल्पनिक था? आपने तो उससे खुद बात की है ना, आपको क्या लगता है क्या आपको उसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक लगी? सनी आ रहा है, प्लीज यहाँ से चले जाओ। और मैडम सब ठीक ठाक है ना? आज अखबार में एड देकर आपने हमारी शांति भी छीन ली। ओ हेलो राजीव। हेलो मैडम, प्लीज कम आइए ना। न्यूज़पेपर में मिसिंग का एड देखा, लगता है क्लोज्ड केस को रीओपन करवाना चाहते हो। वो एड इन्होंने प्रिंट करवाया था मैडम, इंस्पेक्टर अजीत कुमार ने। ओ आप भी पुलिस वाले हैं। हेलो, लेट्स टॉक। मैडम कॉफी। थैंक यू। यू आर वेलकम। सेक्शन 416, पहचान बदलना। किसी और की पहचान लेकर घूमने पर 3 साल की जेल होती है। मैम, तुम पुलिस वाले नहीं हो, ये तुम्हारे चेहरे पर दिखता है, तो क्या नाटक कर रहे हो? मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था, संगीता की हेल्प करनी थी। तुम दोनों प्यार करते थे है ना? सच सच बताओ वरना तुमको जेल में डाल दूंगी। ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है संगीता। ये मेरे डैड की जिंदगी और मौत का सवाल है। कॉलेज में मैं और संगीता एक दूसरे से प्यार करते थे। उनकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती, उनको ना कहने की हिम्मत मुझ में नहीं है आदि। तो फिर मेरा क्या? लड़के का नाम राजीव है, इस हफ्ते मैं उससे शादी कर रही हूँ। मैं जा रही हूँ, अब हम नहीं मिलेंगे। संगीता, गुड बाय आदि। अब समझी, बचपन में उसकी माँ चल बसी, जवानी में उसके डैड, जिससे प्यार करती थी उससे शादी नहीं हुई, और जब डॉक्टर्स ने उसे कहा कि वो माँ नहीं बन सकती, तब शायद वो खुद को संभाल नहीं पाई और उसकी मानसिक हालत खराब होने लगी। क्या मतलब? साइकाइट्रिस्ट इसे डिल्यूजनल डिसऑर्डर कहते हैं, मानसिक बीमारी है ये, बहुत से लोगों को होती है। जब इंसान हकीकत का सामना नहीं कर पाता तो वो अपनी एक नई दुनिया बना लेता है और उसी दुनिया को सच मानने लगता है, और ये उसके कोमा से बाहर आने के बाद हुआ। उसके सर पर चोट लगी थी। आराध्या। संगीता। राजीव, आराध्या कहाँ है? आराध्या? और ऐसे संगीता ने आराध्या को बना लिया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पासपोर्ट साइज फोटो है। संगीता के पति उसे साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर गए। हम कुछ एंटी डिप्रेशन दवाइयों से शुरू करेंगे। संगीता को दवाई और काउंसलिंग भी दी। मैं पागल नहीं हूँ। पर संगीता किसी भी कीमत पर सच को मानना ही नहीं चाह रही थी। कहा ना पागल नहीं हूँ। आराध्या उसका भ्रम है और वो इसी भ्रम के साथ जी रही है। दिन ब दिन ये पागलपन बढ़ता जा रहा है और ये बहुत बहुत खतरनाक है। आदि, संगीता तुम पे भरोसा करती है, कोशिश करो कि वो सच को कबूल कर ले ताकि वो अपने भ्रम से बाहर आ सके, तो कोशिश करना। ख्याल रखो आदि। ओके मैम। उर्मिला लंदन में सेट हो गई है, बहुत वक्त हो गया। कॉलेज के दिनों को उर्मिला हमेशा याद करती रहती है। अच्छा वैसे इतने सालों बाद कैसे आना हुआ? कुछ नहीं अंकल, यहाँ मैं कुछ काम से आया था तो सोचा मिल लेता हूँ। अच्छा अच्छा, उर्मिला से कहिएगा मुझे कॉल कर ले। ठीक है बेटा। ये रहा मेरा कार्ड। एक्सक्यूज मी प्लीज। हेलो सर, मैं स्कूल के सामने वाले घर का गार्ड बोल रहा हूँ, मुझे वो फुटेज मिल गया है, जल्दी आइए।
संगीता, आराध्या की एक भी फोटो घर में नहीं है, मोबाइल सोशल मीडिया कहीं भी नहीं है, ऐसा क्यों बताओ? तुम्हारी फाइल्ड कंप्लेन को पुलिस भी मारने को तैयार नहीं है, स्कूल प्रिंसिपल भी, वो भी आराध्या को नहीं जानती, और राजीव कहता है कि हमारी कोई औलाद ही नहीं है, मैं किस पे भरोसा करूं? और हाँ, मैंने सीसीटीवी फुटेज भी चेक की है, उसमें कोई बच्ची दिखी नहीं। आराध्या बैक सीट पे टेडी बेयर को हग करके बैठी हुई थी, दो लोग आए और उसे लेके चले गए। वो तुम्हारी बेटी को नहीं लेकर गए, तुम्हारी कार लेकर गए थे। अगर अब भी तुम अपने भ्रम से बाहर नहीं आई तो कब आओगी संगीता? आराध्या नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं है। प्लीज आदि, तुम तो यकीन करो, प्लीज। तुमने जो फोटो मुझे दी थी वो किसी और की बेटी निकली, और उसके पिता ने मुझे डेथ सर्टिफिकेट भी दिखाया है। झूठ बोल रहा है वो, सबके सब झूठ बोल रहे हैं। और तुम सच बोल रही हो क्या? सनी का बयान लाई तुम? पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गई तुम? गई थी मैं, पर वहाँ कोई मेरा यकीन नहीं करता कि मेरी एक बेटी है, राजीव भी यकीन नहीं करता। तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? मैं डरी हुई थी आदि, हर कोई मुझे पागल कहता रहता है, मुझे डर था कि कहीं तुम भी मुझे पागल ना समझो। बस करो संगीता, बस करो, अपनी आंखें बंद करो और देखो तुम्हें क्या दिखता है, सच सच बताना। मेरी बेटी है, आराध्या जिंदा है, तुम भी मेरा यकीन नहीं करते ना, चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज आदित्य, चले जाओ। किसी को मुझ पे भरोसा नहीं है, मेरी आखिरी उम्मीद सिर्फ तुम हो संगीता। ये हाइट मार्क्स, ए! संगीता, संगीता, ने अपने फ्लैट से कूदकर अपनी जान दे दी, पर क्या ये सच में सुसाइड है या फिर कोई हत्या, इसका पता लगाना अभी बाकी है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंच चुकी है। कहा जा रहा है कि महिला डिप्रेशन की मरीज थी, उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, ऐसा डॉक्टर्स ने बयान दिया है। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। सर, मरने वाली के पति यही है? हाँ सर। नमस्कार जी, ये केस आराम से निपट जाए इसलिए सब कुछ सच सच बता दीजिएगा, समझ गए ना आप? सिगरेट, बीड़ी, ये सब सेहत के लिए हानिकारक है, धूम्रपान करने से कैंसर हो सकता है। सर जी, लाइटर है क्या आपके पास? लाइटर, लाइटर यार, सिगरेट पी सकता हूँ ना? अरे दो ना यार, ये हुई ना बात। वाइफ ने सुइसाइड क्यों किया?
सुइसाइड क्यों किया? पटेल, यस सर, तुम्हारा घर में कौन कौन छे? मेरी बीवी, मैं और दो बच्चे। देखा तूने कैसा फटाफट जवाब दिया, अब तू भी बोल डाल। अबे बोलता है क्या, मुंह तोड़ू तेरा, दांत तोड़ू की जबड़ा। अरे बोलना यार, क्यों दिमाग की माँ बहन कर रहा है आजकल, पाँव बहुत दुखते हैं। तेरी बीवी ने हाई जंप काईकू मारा। देखिए सर, मैं आज सुबह दुबई से लौटा हूँ। दुबई में क्या, भाई लोग से मिलने गया था? मेरा मेन ऑफिस वहीं पर है। खुद का ऑफिस या आइटम का ऑफिस? पटेल खबर काटो। करता हूँ सर। सुबह में वॉचमैन से मिला, बोला तेरा भाई इधर आता जाता रहता है, सही बोला ना? मेरा भाई यहाँ क्यों आएगा? तो फिर तेरे भाई से ही पूछ लेते हैं। ए भाई, ए छोटे। सर मेरा छोटा भाई यहाँ पर आकर क्या करेगा? वो मैं बताता हूँ ना तेरे को, तू है, तू ही है इस सब के पीछे। अरे भाई लोग, खेल खत्म, पैसा आजम, यही है खूनी, डालो हथकड़ी। ए, दिमाग नहीं है क्या तेरे पास? रुक, मैं अभी लॉयर को फोन लगाता हूँ, वही तुझसे बात करेगा। फोन कट कर बोला ना, यही फोन तेरे पिछवाड़े में डालूंगा तो रिंगटोन बजेगी मुंह में और वाइब्रेट पूरी बॉडी होगी। बॉडी के पोस्टमार्टम के बाद मिलेंगे, तब तक तेरा फोन चार्ज और चालू होना चाहिए। तब तक अगर शहर की सरहद से बाहर गया तो तेरा एनकाउंटर कर दूंगा बेटा। जब जब मैं बुलाऊं पुलिस स्टेशन चाय पीने चले आना, और ये रिक्वेस्ट नहीं है, ऑर्डर है। हवा में वायरस बहुत है, टेक केयर। अच्छा सुन, सब कंप्लीट होने के बाद रिपोर्ट बनाना। और पांडे, यस सर, कॉल रिकॉर्ड्स निकाल और इमीडिएटली पता लगा। सर सर, ये संगीता जी का फोन है। उसने लास्ट कॉल किसको किया, जल्दी पता लगा और मेरे को बता। ठीक है सर। हेलो, उर्मिला बोल रही हूँ, लंदन से। संगीता की मौत का पता चला है, बहुत बुरा लग रहा है। उर्मिला, क्या तुम संगीता के टच में थी? नहीं, मैं नहीं थी। मैंने तुम दोनों की शादी कराने की कोशिश की थी, तो उसके बाद डैड ने उसके दोस्तों से उसे अलग कर दिया। उसकी शादी पे भी मैं नहीं जा पाई, और आखिरी बार मैंने उसे हॉस्पिटल में देखा था। संगीता? वो अपनी बेटी के साथ थी। बेटी के साथ? How are you? मैं ठीक हूँ। बेटी है तुम्हारी? हाँ, ये मेरी बेटी है। उसके बाद हमारे बीच ज्यादा कुछ बात नहीं हुई, फिर उसका हस्बैंड उसे साथ लेकर गया। So, संगीता के कॉल रिकॉर्ड्स, लास्ट नंबर किसी आदि का है, नया सिम कार्ड है सर, और इस नंबर का एड्रेस भी अलग है सर। और सर, संगीता के मरने से पहले सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी भी हम लोगों को दिखा है सर, शायद वही आदमी आदि होगा सर। शायद वो आदि ही है सर। इतने से काम के लिए इतना टाइम, जा जल्दी से जा और फूल दे दे। हाँ ठीक है दीदी। हेलो, नमस्ते मैडम जी, आदि जी से बात हो सकती है? आप कौन बोल रहे हैं? मैं एयर पीओ से बात कर रहा हूँ, हमारे पास उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है मैडम। मैडम वो ऑफर सुनेंगे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। जाने दो, उसे इंटरेस्ट नहीं है। ऑफर ठुकराने से पहले सुन तो लीजिए। क्या है? 20 सिल्क की साड़ियाँ, 3 किलो सोना और चांदी के बर्तन भी है, पूरा डिनर सेट है दीदी। एड्रेस दीजिए ना। हाउस नंबर 294, सेकंड लेन, थर्ड रोड, एमजी रोड पर, सेक्टर 3, बेंगलुरु 85। तुम यहाँ? एक जरूरी बात बताने का है तुमको, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। अगर उस दिन बच्ची का फोटो देख के मैं झूठ नहीं बोलता ना, तो आज संगीता मैडम जिंदा होती। पैसे के लिए अपुन ने बहुत सारे कांड किए हैं सर, कार चोरी की, ड्रग्स, हेरा फेरी, पता नहीं क्या क्या। संगीता मैडम की एक बेटी थी सर। hey, तेरे को कितने बजे बुलाया था बे, इतनी जल्दी क्यों आ गया? अरे भाई, रास्ते में आज ट्रैफिक नहीं था इसलिए जल्दी आ गया मैं। You got the work done. Yes. You got the car and the kid. What will you do with the kid? Hey, Blade. हाँ भाई। लेके जा इसको अंदर। और उसी वक्त अपुन ने वो बच्ची वहाँ देखी। मम्मी। भाई, वो बच्ची। अरे तू नोट गिन और अपना काम करना। मेरे काम में टांग अड़ाएगा तो तेरी चड्डी फाड़ के सिर पे पहना दूंगा। ये गाड़ी आज के बाद मुझे दिखनी नहीं चाहिए, इसका पुर्जा करके भेज दो। बेचारी संगीता मैडम पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती रही और उनकी किसी ने नहीं सुनी। पुलिस भी झूठ बोल रही है और वो साला राजीव भी झूठ बोल रहा है। तुझे पता था तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बहुत बड़ा गलती हो गया, अब समझा कितनी बड़ी भूल हो गई अपन से।
किसी की जान चली गई। जिससे तुम प्यार करता था वो अब जिंदा नहीं रहे। ये गलती अपुन की है और अपुन ही इसे ठीक करेगा। ये बता आराध्या जिंदा तो है ना? जब देखा था तब थी, उसके बाद अपुन ने नहीं देखा। उस सनी को पता होगा। किसको फोन कर रहा है? सनी को। वो इस वक्त स्विच ऑफ है। मोबाइल स्विच ऑफ है। अपुन जानता है कि वो कहां होगा। अरे ये कौन है? ये सुसाइड क्यों किया? अजीत कुमार, ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है। वो लोग ढूंढ मुझे रहे थे, मार ऐसे दिया। अब तो सनी को ढूंढना ही होगा। चलो। ओए, अरे गधो, तुमने गलती से किसी और को मार दिया। हाँ दीदी। हेलो आदित्य, कहाँ हो तुम? तुम्हें ढूंढते हुए पुलिस घर पर आई थी। मैं आ रहा हूँ दीदी। जिससे मैं होटल में मिला था वो ये आदमी नहीं है। ठीक से फोटो भी नहीं देखा। वो किसी सुसाइड मर्डर के बारे में बात कर रहे थे, इन्वेस्टिगेट करने आए थे। दीदी के घर पुलिस आई हुई है। ये खेल अब मामूली नहीं है। मुझे लगता है हर कोई मिला हुआ है इसमें, पर हर सवाल का जवाब सनी के पास है। मेरी मदद करोगे? आवाज करो। जो भी हो, सनी को ढूंढो। Why did you come here? Secret बताने। I will kill you. Oh, no. मुझे मालूम who kill your brother. Huh? What? सनी, वही मारा तेरे ब्रदर को। दीदी। तो तू ही है सबका मुखिया। देवारे देवा, गणपति देवा। सिगरेट पिएगा क्या? चलो बच गया। धूम्रपान से कैंसर होता है। चल सीधा पॉइंट पे आता हूं। संगीता को आखिरी बार जिसने फोन किया था वो तू ही था। क्यों किया था? ओ हीरो, तू मौन व्रत रख सकता है लेकिन पुलिस की लाठी व्रत तुड़वा देगी। तू बॉयफ्रेंड था ना? राजीव को पता था तेरे काले कारनामों के बारे में? ए शाणे जल्दी भाग, यही काम रहेगा क्या हमारे पास? बीवी बच्चे नहीं हमारे। खाने में मजा तो आया होगा। अबे लंच की बात कर रहा हूं। संगीता को लेके मजाक किया ना तो तू खुद एक मजाक बन जाएगा, समझा? गुस्से को सब्र की कब्र से बाहर मत निकाल। तेरे चेहरे की उड़ी हुई हवाइयां देख के कन्फर्म हो गया है कि वो तू ही है। ये पटेल। केमचो सर। हेलो अबे। ओके सर। तू मुझे अभी पहचानता नहीं है। चल बेटा खिलाता हूँ पेठा। हाथ अड़ा। आइए। क्या है? ए सनी देर, तुम यहाँ क्यों आए? सनी आस्क्ड हिम टू कम। Why did you kill my brother? तू यहाँ पे क्या कर रहा है बे? मैं छुपने की कोशिश कर रहा हूँ और तू यहाँ क्या कर रही है बे? Why did you kill my brother? देख अपुन तेरे लिए क्या सरप्राइज लाया है। अपुन ने बता दिया you killed his brother। Hey, he is lying। No, I tell truth।
He's गुस्सा ऑन मी. यही मारा यार भाई. ये अपने भाई को लेके बहुत सेंटी हो गया. आज तो तेरे को पक्का ठोकेगा. नो नो नो. अरे ये बावला हो गया है बावला. आज तू ऊपर जाएगा, ऊपर जाके अप्सरा के साथ नाचेगा. छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं आज. ये अभी बोला देखा. He मारो ये ब्रदर. Bad man. No no brother. No no no. Your death will be worse. No no no. Hey. No 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 no. No shoot. Hey punch. Hey. मन तो कर रहा है तुझे यहीं ठोक कर निकल जाऊं. अपनी जोड़ी बनाना चाहता था ना. संगीता के साथ चलना. बताना यार किसी दूसरे की बीवी को फोन क्यों कर रहा था तू. बड़ो ये शराफत से मुंह नहीं खोलने वाला है. इसके पिछवाड़े में नंगा तार लगाना पड़ेगा. अब सब कुछ तोते की तरह बोलेगा ये. ठीक है मैडम. ये बता तू आया कहां से, होटल में क्यों रुका था, संगीता और तेरा क्या कनेक्शन था? ये संगीता ने जब हाई जंप मारा तब तू कहां था? जब संगीता की बेटी किडनैप हुई थी तब तुम सब लोग कहां थे? हम लोग पटेल गोवा में तैरने गए थे ना, वहां सुनामी आ गई और फंस गए और नहीं आ पाए. अब क्या करें बोलो. जिस सीट पे तू बैठा है वो हॉट सीट है समझा. अगला सवाल पूरे 1 करोड़ के लिए. सोच समझ कर जवाब दीजिएगा और लॉक कीजिएगा, वरना मैं तुझे लॉकअप में लॉक कर दूंगा. आओ. सुना है तेरी संगीता थोड़ी मेंटल थी. संगीता पागल नहीं थी, तू पागल है मेंटल साले. hey, बैठ जाओ. इसको क्या है ना बवासीर का प्रॉब्लम है, बार बार खड़ा हो जाता है. तुझ जैसे झंडू को जब इतनी अकड़ है तो वर्दी वाले को कितनी होगी. 2 मिनट में धूल चटा दूंगा और दिखाऊं क्या. Stop it. हाथ उठा. Calm down. चल बैठ. ये पुलिस का तरीका है, इसे इस केस के बारे में नहीं पता, इसने अभी ज्वाइन किया है. सॉरी आदि, हम बस ये जानना चाहते हैं कि संगीता के सुसाइड करने की वजह क्या है, तो तुम्हारी हेल्प चाहिए. प्लीज हेल्प अस. जब उसकी बेटी 2 महीने पहले गायब हुई तब आपको फर्क नहीं पड़ा, तो अब क्यों पड़ेगा? इस केस को क्लोज हुए 1 महीना हो चुका है. उसकी बेटी नहीं थी, संगीता की प्रॉब्लम भी मैंने तुम्हें बताई थी ना. कैसेट कितना बच रही है, तुम सबको कितने पैसे दिए राजीव ने. तुम दिल से सोच रहे हो और मैं दिमाग से बात कर रही हूँ. संगीता की बेटी थी, इसका कोई सबूत नहीं मिला. अगर मैं सबूत दूं तो. बंदर की शक्ल वाला ये कौन है? यही है राजीव का छोटा भाई सनी. इसे अरेस्ट कर लो तो पता चल जाएगा कि आराध्या कहाँ है. पर किस सबूत पर हम इसे अरेस्ट करेंगे? कहाँ छुपाया तूने? मैडम इसे अरेस्ट करने के लिए इतना एविडेंस काफी होगा, ये चेक कर लीजिए. मैम क्या वो हमें सुन सकता है? नहीं सुन सकते. आराध्य कहाँ है? सर वो मेरी जैकेट की जेब में थी, कहीं गिर गई होगी. कॉमेडी शो में आया है क्या तू? लगता है नशा करके आया है, इसीलिए होश में नहीं है ये. सही सही जवाब दे शाने. एक सिगरेट पिलाओ ना मालिक, सब कुछ बताता हूँ. हाँ। इसने मुझे चुप रहने के लिए 5 लाख रुपए दिए. 2 टके के चिंदी चोर. अभी मेरा मूड अच्छा है इसलिए तेरे सामने कॉमेडी कर पा रहा हूँ, अगर मूड खराब हो गया ना तो ट्रेजेडी गारंटी है तेरी. बताता हूँ सर. इन दोनों में से एक उंगली चुनो ना सर. ये तो सनी को मार डालेगा. चुप रहो आदित्य, उसे अपना काम करने दो. उसकी जान ले लेगा ये. मेरे को उंगली खराब. अरे इंस्पेक्टर ये तो रुको यार, क्यों मार रहे हो? चुराली उंगली दिखाया. चल बता वरना गोली मार दूंगी. बोल आराध्य कहाँ है? मेरे को जाने दो प्लीज प्लीज प्लीज. जल्दी बोल. शूट मत कर देना. ये डेढ़ शाना ऐसे नहीं बोलेगा. ए जल्दी से इलेक्ट्रिक कुर्सी ला रहे. ए लोकी थोड़ा शांत रहो ना. मैडम हाँ.
छेद कर दूं तेरे सिर में। सनी शूट करूं? सनी ड्रॉप द गन। गोली चलाऊं? सनी गोली चलाऊं? गोली चलाऊं? गोली चलाऊं क्या? मैडम उसे लॉकअप में क्यों मार दिया उसको? वैसे सेल्फ डिफेंस है, मैं गवाह हूं इसका। ठीक है, बॉडी को पहले पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, बाद में बात करती हूं तुमसे। आदि, संगीता ने सुसाइड क्यों किया मैं नहीं जानता। राजीव सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है मुझे बिल्कुल नहीं पता। बस एक बात याद रखना, भले चाहे मैं गलत हूं या फिर कोई और गलत है, गलत गलत है और उसकी सजा मिलके ही रहती है। आदित्य, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। ओके मैम। संगीता ने अपनी बेटी ना मिलने की वजह से सुसाइड कर लिया। संगीता के घर में आपको आराध्या के हाइट मार्क्स मिल जाएंगे। और ये आराध्या की फोटो है। सनी ने ही आराध्या को किडनैप किया था, पर अब वो तरिंदा बिना कुछ बताए ही बेमौत मर गया। मैं आराध्या को ढूंढने में, मुझे आपकी मदद चाहिए, प्लीज। ठीक है, बताओ क्या मदद करूं तुम्हारी। राजीव से पूछताछ कीजिए, सनी के साथ जो हुआ राजीव के साथ नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं कहूंगा उसे अपनी कस्टडी में ले लीजिए। एक काम करो, तुम होटल में वेट करो, मैं तुम्हें कॉल करूंगी। जो फोन करूं तो फोन जरूर पिकअप कर लेना। राजीव को थाने में लेके आती हूं, ओके? ठीक है। थैंक यू। चल यहां से चलते हैं। हेलो हेलो आदित्य, कहाँ हो तुम? मैं बस होटल के पार्किंग में हूँ मैम। हेलो 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 मैम, हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मैम। हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी मैम? सर बेसमेंट है इसलिए नेटवर्क कम आता है। Oh!
गोली मत चलाना प्लीज प्लीज डोंट शूट। देखो जिस बच्ची को तुम खोज रहे हो मैं जानता हूं वो कहां है। मेरा नाम राजेश है, मैं राइटर हूं, एसीपी श्रुति का पति। सारी मुसीबतों की जड़ श्रुति है और मैं उसे रोकना चाहता हूं। मैं श्रुति को उसी से बचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कुछ समझा नहीं। आकृति, अनुषा, अनुषा, अंजलि, अनुराधा, अनीता, अंकिता, आराध्य, 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 अच्छा नाम है। श्रुति प्रेग्नेंट थी पर मिस कैरेज हो गया, बच्चा नहीं बचा। डॉक्टर्स बोले श्रुति दोबारा माँ नहीं बन पाएगी। पर आज मेडिकल साइंस की मदद से बच्चा होना मुमकिन है। आप सरोगेट मदर की भी हेल्प ले सकते हैं या बच्चा गोद ले सकते हैं। श्रुति अब दोबारा माँ नहीं बन सकती डॉक्टर। आई एम सॉरी सर पर ये मुमकिन नहीं है। डॉक्टर की बात श्रुति के मन को चुभ गई, वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसके तो जैसे माँ बनने के सपने ही टूट गए और यहीं से सारी फसाद शुरू हुई। चलो अब खाना खा लें, चलो आ करो आ करो। आराध्या जल्दी से आ करो। श्रुति किससे बात कर रही हो तुम? देखो कौन आया है, पापा आए हैं। पापा को हाय करो। डॉक्टर ने इस बीमारी को डिल्यूजनल डिसऑर्डर बताया। इन्हें गहरा सदमा लगा है, इसे डिल्यूजनल डिसऑर्डर कहते हैं। साइकाइट्रिस्ट इसे डिल्यूजनल डिसऑर्डर कहते हैं। श्रुति ने अपनी ही काल्पनिक दुनिया बना ली, अब वो भ्रम को ही सच मानने लगी थी। जब इंसान हकीकत का सामना नहीं कर पाता है तब वो अपनी एक नई दुनिया बना लेता है और उसी दुनिया को वो सच मानता है। बाहर की दुनिया के लिए वो एक अच्छी पुलिस ऑफिसर है, मजबूत औरत, लेकिन घर में वो एक बेचैन और बीमार औरत बन जाती है। एक कछुआ और एक खरगोश था, कछुआ रेस जीत गया। मैंने हर कोशिश की, दवाइयाँ, डॉक्टर्स। संगीता का हस्बैंड उससे बहुत से साइकेट्रिस्ट के पास ले गया, दवाइयाँ दी, काउंसलिंग भी की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अपनी ही दुनिया में खोती चली गई वो। ईमानदारी छोड़ वो एक बेईमान भ्रष्ट ऑफिसर बनती चली गई। शहर के बाहर उसने अपना एक फार्म हाउस ले लिया, हर शाम वहां जाती है, वहीं पर अपनी काल्पनिक बच्ची के साथ रहती है। श्रुति श्रुति प्लीज मेरी बात सुनो, तुम बहुत गलत कर रही हो, अगर लोगों को पता चलेगा तो तुम्हारी रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी। गेट आउट। हाँ? मेरी बेटी को मुझसे दूर करना चाहते हो? हाँ? हमारी बेटी नहीं है श्रुति। अब तुम इस घर में नहीं रह सकते, गेट आउट, निकलो। उसकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती, मैं अलग रहता हूँ और यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। उसकी दिमागी हालत बहुत खराब हो गई है, मुझे उसे रोकना चाहिए था। फिर मैंने तुम्हें देखा, तुम्हें सच बताने के लिए मैंने तुम्हारा पीछा किया। पर अब बहुत देर हो गई है, क्योंकि अब जल्द ही श्रुति की हकीकत सबके सामने आ जाएगी। आराध्या कहाँ है ये पता है तुझे? वो फार्म हाउस में है, बेचारी बच्ची, दुआ करो कि वो महफूज हो। वरना मर जाएगा, इस रास्ते से निकल जा। थैंक यू।
गन नीचे रख दो आदि। नीचे रखो, चलो चलो। आराध्या कहाँ है? कहाँ छुपाया उसे? मैं गन पर साइलेंसर लगा रही हूँ, तुम अपने मुंह पे साइलेंसर लगा लो। आराध्या सो रही है। आराध्या को जाने दो, मैं उसे यहां से ले जाने आया हूं। आराध्या कहां ले जाएगा उसे? उसके बाप के पास? तू सिर्फ हेडलाइन जानता है, पूरी खबर मैं तुझे सुनाती हूँ। ब्रेकिंग न्यूज, संगीता पर हमला कार चोरी के लिए नहीं हुआ था, अटेम्प्ट टू मर्डर। राजीव ने सुपारी दी थी संगीता को मारने के लिए नहीं, बच्ची को मारने के लिए। जानता है मैं ये सब कैसे जानती हूँ? माल कब तक पहुंचाने गए? मेरा काम हो गया तो 6 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगी। ओके मैडम। क्या मैडम जल्दी आ गई? यहाँ आने के लिए मुहूर्त निकालना पड़ेगा क्या? 3 दिन का टाइम देती हूँ, काम खत्म करके कॉल करना, अपना दिमाग मत लगाना, जो कहा है वही करना। ठीक है मैडम। किसकी आवाज है? नहीं नहीं कोई नहीं है। मम्मा। बेटा, मम्मा, उस बच्ची ने मुझे माँ कहकर पुकारा। डोंट शूट, गोली मत चलाना। नाम क्या है तुम्हारा? आराध्या। यही नाम मैं अपनी बेटी का रखती, आराध्या। मैं भूल गई वो कौन है, किसकी बच्ची है। जब उस बच्ची ने मुझे माँ कहकर पुकारा, तब से वो मेरी बेटी हो गई। किसी अपने को खोने का गम तो तुम जानते ही हो, एक मौका तो खो चुकी हूँ, इसलिए दूसरा मौका नहीं खोना चाहती थी। आराध्या। बच्ची के बारे में और कौन कौन जानता है? बस वो राजीव और वो अफ्रीकन लोग जानते हैं। बताइए क्या चाहती हैं? मुझे आराध्या चाहिए। बंदूक शिकार का रंग नहीं देखती, वो देखती है तो बस शिकार की कीमत। मार दो। बैंग बैंग। अफ्रीकन्स को मैंने मरवाया, सेटी से फुटेज भी मैंने ही डिलीट करवाई, केस को बंद करवाया। केस बंद कर दो, टाइम वेस्ट है। जो भी मेरे और आराध्या के बीच आया उसे हटा दिया मैंने। राजीव, आराध्या कहाँ है? कौन आराध्या? संगीता। आराध्या कहाँ है राजीव? एक्चुअली मैं संगीता को तभी मार देती जब वो कोमा में थी। उसका हस्बैंड उसे बहुत प्यार करता था, बचा लिया उसे। आराध्या तुम्हारी बेटी नहीं है, संगीता की है, पर वो बेचारी तुम्हारी वजह से मर गई। संगीता कोमा में थी, अपनी बेटी को खुद बचा नहीं पाए तो उसकी बेटी कहां से हुई? राजीव को आराध्या नहीं चाहिए थे, इसलिए वो एक अच्छे पिल्ले की तरह मेरी बात मानता रहा, बेवकूफ कहीं का। आराध्या के सारे फोटो डॉक्यूमेंट सब चला दिए उसने, स्कूल प्रिंसिपल को चुप रहने के लिए पैसे दिए, मेरी बेटी को मार दिया। संगीता भी कोमा में है। कोमा से बाहर आते ही वो आराध्या के बारे में पूछने लगेगी, इस सदमे से लड़ने की उसके अंदर हिम्मत नहीं है।
डॉक्टर और पुलिस ने मुझे सही सलाह दी है और मैं वही करूंगा। उससे कहूंगा कि हमारी कोई बेटी ही नहीं है। मुझे नहीं लगता ऐसा करना सही होगा राजीव। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। अपनी बेटी को तो मैं खो चुका हूं, अब अपनी बीवी को खोना नहीं चाहता। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, इट्स ओके। फ्रेंड्स फैमिली, सबको उसने वही कहा जो मैंने कहने को कहा था। किसी ने कोई सवाल नहीं किया। बेचारी संगीता। यहाँ पर आराध्या की फोटो थी। आराध्या कहाँ है राजीव? हमारी बेटी कहाँ है? आपने मेरी बेटी को देखा है क्या? वो पागलों की तरह सबसे पूछती रही उसकी बेटी कहाँ है। बस करो, जो बची ही नहीं है उसके बारे में पूछ पूछ के मेरी इज्जत मत उतारो संगीता। हमारी कोई बेटी नहीं है। प्लीज आप मेरा भरोसा कीजिए, मेरी बेटी है, उसका नाम आराध्या है। देखो संगीता, तुम्हें पुलिस स्टेशन की जरूरत नहीं है, पागल खाने की है। जब वो रोती थी, परेशान रहती थी, राजीव खुशी खुशी मुझे ये बताता था। कमीना पति। कमीना वो नहीं, तुम। हूँ मैं कमीनी, शातिर दिमाग भी है मेरे पास। हूँ कि नहीं, ब्यूटी विद ब्रेन्स। किसी इंसान की पूरी पहचान मिटा देना आसान नहीं होता। जैसे ही मुझे लगा कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, तो कुत्ते की तरह सूंघते हुए खोदने लगा, सब बर्बाद कर दिया। पर मैं हमेशा तुझसे एक कदम आगे ही रही हूँ मिस्टर आदित्य। ये डेढ़ शाना ऐसे मुंह नहीं खोलेगा। ए इलेक्ट्रिक कुर्सी ला रहे जल्दी। ए लोकी, थोड़ा शांत रहो ना। फिर भी मैं तुम्हारे सामने हूँ और मैं सच जानता हूँ। मरते वक्त भी अपना मुंह बंद नहीं रखेगा क्या? चिल्लाओ मत। ऊपर बच्ची सो रही है। डर गई क्या? कर्म खामोशी से जान लेता है। तुम मुझे मार सकती हो, पर तुम भी बचोगी नहीं। या तो आराध्या मेरे साथ जिंदा रहेगी या फिर मेरे साथ मरेगी। कोई भी उसे मुझसे छीन नहीं सकता, तू भी नहीं। एक सवाल है। क्या है? राजीव आराध्या को क्यों मारना चाहता था? क्योंकि आराध्या राजीव की बेटी नहीं है। गुड बाय आदित्य। बस एक बात याद रखना, भले चाहे मैं गलत हूं या फिर कोई और गलत है, गलत गलत है और उसकी सजा मिलके ही रहती है। जाओ बाहर जाओ, श्रुति चेक करो, जल्दी जाओ। श्रुति, तुम यहां आओ, इधर आओ। आदित्य आदित्य आदित्य, अब तो बता बे, तेरे को क्या सच में लगा कि तू अपनी बेटी की पहचान, उसका वजूद इस दुनिया से गायब, पूरी तरह से गुम कर देगा? यही मैंने एसीपी श्रुति को हजार बार कहा, पर उसने मेरी एक नहीं सुनी। बोली सब सही कर दूंगी, नहीं मानी, पागल कहीं की। जानता था एक ना एक दिन मैं जरूर पकड़ा जाऊंगा। चल एक बात बता, आखिर तू खुद अपनी बेटी को मारने के पीछे क्यों पड़ा था? आराध्या मेरी बेटी नहीं है। क्या मिस्टर राजीव, संगीता के सारे रिपोर्ट सही है लेकिन आपके ठीक नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर?
आप बाप नहीं बन सकते। देखिए मेरी खुद की एक बेटी है, मैं अभी उसे स्कूल छोड़ के या... ये नहीं हो सकता। मेडिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से आप इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप चाहें तो दूसरा टेस्ट करवा सकते हैं। उस वक्त मुझे पता चला कि आराध्या मेरी बेटी नहीं है, वो तो किसी और का खून है। कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा है आदि। पूरी दुनिया के लिए तुम आदित्य शंकर होगे, पर मेरे लिए तुम आदि होगे, आराध्या। आराध्या मेरी बेटी है। अब तुम्हें पता चला आदित्य, आराध्य को ढूंढने के लिए उसने तुम्हें क्यों बुलाया था? आदित्य, आदित्य, गुड बाय आदि। संगीता, अरे सर, सर कहाँ जा रहे हैं आप? सर रुकिए, सर, सर रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? सर, आराध्या मेरी बेटी है।